Dear, welcome to this lecture, NCERT class 9, basically designed for civil services aspirants. However, this lecture is equally beneficial to equivalent examinee and other junior section as well. So, see. A structure of the atom. We will talk atomic structure. इसमें बता दूं कि एटम्स यू ऑल नो मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स एंड द टीनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स और द मॉलिक्यूल्स. द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउएवर बोथ द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स are the smallest particle of matter. But one point of difference that atom can take part in the chemical reaction, whereas the molecules cannot. Right? Atom is made up of basically three fundamental particles, electrons, protons and neutrons. Right? Various model has been put forward regarding the structure of the atom, distribution of so-called fundamental particles, electrons, protons and neutrons. You will see here the Thomson atomic model, then the Rutherford atomic model or the Bose atomic model. Also in this section we will talk isotopes and isobars, isn't it? So see, so the fundamental building blocks of matter is atoms and molecules. जो भी पदार्थ होते हैं, matter होते हैं, जिसकी तीन अवस्थाएँ होती है, solid, liquid and gas, you all know. Matter three states में होते हैं. Matter may be solid state, maybe liquid state, maybe gaseous state, isn't it? And both the gas and liquid are known as fluid. ये छोटे छोटे कणों के मिल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे और मॉलिक्यूल्स बोलेंगे. दोनों ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, isn't it? But this atom will take part in the chemical reaction. Reaction, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेगा. And this molecule cannot take part in the chemical reaction. Take part, repetition हो गया, that's why drop it. Take part in chemical reaction. Right? Example हम देखेंगे, say hydrogen, it's the atom, oxygen atom, right? And same way now come to the molecule. Molecule will be say H2O2. There may be other atoms, H2O. This may be CO2, isn't it? So here the H atom, O atom, and say carbon atom. There may be other atom also, nitrogen. Where the so-called the molecule may be NH3, right? फिर या हम आगे बढ़ते हैं कि fundamental particles of an atom, कोई भी जो atom होंगे उनके मौलिक कण कौन कौन से होंगे उसको हम देखेंगे, right? मौलिक कण में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीन मौलिक कण हैं हमारे. इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई जे.जे. थॉमसन इन द ईयर 1900 में. जे.जे. थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ. एंड आप ये जाने कि प्रोटॉन का आविष्कार इलेक्ट्रॉन का आविष्कार के पहले ही हुआ था. प्रोटॉन वॉज
discovered in 1886 by the E. Goldstein, right? This is so-called J.J. Thomson, see here. And here is the E. Goldstein, discoverer of proton. Or it was S. Chadwick, J. Chadwick, in 1932, में J. Chadwick द्वारा तीसरे पार्टिकल का आविष्कार हुआ. वी कॉल इट एज द न्यूट्रॉन, इसको न्यूट्रॉन बोलेंगे हम, राइट. यदि हम इनके सिंबल की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसा दर्शा सकते हैं, प्रोटॉन कैसा दर्शाएंगे, पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को दर्शाएंगे सी. ये जो नीचे जो लिखा हुआ है, दिस इज चार्ज नंबर, ये लिखा हुआ है, ये दिस इज योर चार्ज नंबर, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं. ऊपर वाला जो है मास नंबर, राइट. तो हमारा क्या है, दो टर्म यहां पे आ गया, चार्ज नंबर एंड मास नंबर, राइट. चार्ज नंबर जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, राइट. ये प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उसी को चार्ज नंबर बोलते हैं. चार्ज नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज नंबर दिस इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर ही बोलेंगे इसको. इसके सिंबल देते हैं जेड, और यह प्रोटॉन नंबर को बताता है, प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर, राइट. यानी किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होगी वो इसकी परमाणु संख्या होगी. हालांकि परमाणु एज ए होल उदासीन होता है, एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, और डेट्स वाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, टू मेक द एटम एज ए न्यूट्रल वन. अब एक टर्म और है हमारा, मास नंबर, एटॉमिक नंबर के साथ साथ मास नंबर, राइट. मास नंबर इज इक्वल टू न्यूक्लियोन नंबर, न्यूक्लियोन नंबर, न्यूक्लियोन का मतलब वो एन प्लस पी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को ज्वाइंटली हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन नंबर. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ज्वाइंटली नोन एज द सो कॉल्ड न्यूक्लियर नंबर. नंबर ऑफ न्यूक्लियोन्स इन द एटम इज नोन एज मास नंबर. क्लियर हो गया. तो आप देखते हैं सिंबल से कि इलेक्ट्रॉन पे मात्रा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना, माइनस वन, मात्रा क्या है, जीरो है. ये रिलेटिव है, याद रखेंगे, आपेक्षिक है, ये जीरो है. ये मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. यहां हम देख रहे हैं प्रोटॉन पे आवेश कितना है, प्लस वन, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मास कितना है, वन है. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल, उदासीन है, बिकॉज चार्ज इज जीरो, वेयर मास इज वन. नेक्स्ट कम टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, राइट. थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये अनस्टेबल मॉडल है, इसके क्या क्या सो कॉल दी पॉस्टुलेट्स है, अवधारणाएं हैं, वो पहला आप देख रहे हैं ये कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एटम जो होते हैं, वो क्या होते हैं उसमें, वो धनात्मक आवेश का गोला है ये, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं, राइट. सेकेंड क्या है हमारा पॉस्टुलेट, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, राइट. सेकेंड पॉइंट, दिस मॉडल इज अनस्टेबल. अनस्टेबल इसलिए है किससे, दिस इज स्फीयर, मान लो दिस इज स्फीयर एंड पॉजिटिव चार्जेज आर देयर, और इलेक्ट्रॉन यदि इसी के अंदर हो जाए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर हो जाए, इलेक्ट्रॉन ये माइनस है, देन दे विल कैंसिल ईच अदर, और ऐसा होगा कि एटम होगा ही नहीं. इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन टू द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एज पर द थॉमसन कॉन्सेप्ट, देन वट विल हैपन, एटम विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स विल कैंसिल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स.
पॉलीसोमेटिक को कैंसिल कर देगा एंड एटम एज ए होल विल बी न्यूट्रल. सो दैट्स वाई जे जे थॉम्सन द इट इज़ वेरी गुड फॉर द बिगनिंग अबाउट द एटॉमिक मॉडल बट इट इज अनस्टेबल मॉडल. ओके आई हैव जस्ट रिटन हियर अनस्टेबल. नेक्स्ट कम टू द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. नाउ सी इन एन एटम देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस. जो एटम होते हैं उसमें आपके पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होते हैं उसके अंदर जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे. नियरली ऑल मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस. जितनी जितनी जो मात्राएं होती है वो सारे के सारे न्यूक्लियस में होते हैं. उसके रीजन ये होते हैं कि मैंने अभी बताया आपको कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन रहेंगे और प्रोटॉन रहेंगे. न्यूट्रॉन अभी आगे मैं बताऊंगा कि वो चक्कर लगाएंगे अपने ऑर्बिट में. तो इसकी मात्रा क्या है, प्रोटॉन की मात्रा 1:1 और ये है हमारा. तो क्या होगा, दोनों की मात्रा जुड़ जाएगी. तो और इलेक्ट्रॉन की मात्रा मैंने बताया था ये क्या है, 1:0 मतलब 0 है. तो टोटल मात्रा जो होती है और किसी परमाणु की वो ऑल दी मासेस मोरलेस ऑल दी मासेज आर सेंटर्ड एट द सेंटर ऑफ द एटम कॉल द न्यूक्लियस. क्लियर, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. सेकेंड है क्या, सेकेंड क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के चारों सर्कुलर ट्रैक में, इजंट इट. और थर्ड क्या है, द न्यूक्लियस साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटॉमिक साइज. तो मैं बता दूं कि जो हमारा अगर साइज की यदि हम बात करते हैं तो अगर r मीन्स साइज को दर्शा रहा, रेडियस को दर्शा रहा है और n मान लो न्यूक्लियस दर्शा रहा है, तो ये लगभग ऑर्डर जो होते हैं इसके 10^-15 मीटर होते हैं न्यूक्लियस का. और यदि एटम की हम बात करते हैं साइज का r a रेडियस, ये आपके होते हैं 10^-10 मीटर. जाहिर है क्या है कि दिस आर एन इज मस्ट लेस देन आर ए, काफ़ी कम है ये. यहाँ पे क्या है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सी ए दिस वन आर एन इज मच स्मॉलर देन आर ए. तो न्यूक्लियस का क्या होगा डायमेंशन, 10^-15 मीटर और एटम का कितना है, 10^-10 मीटर. सो दैट्स वाई द साइज और द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, राइट. नेक्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाई गोल्ड फॉयल. सी ये सपोज करो कि दिस इज अ गोल्ड फॉयल, चक्ती जिसको बुलिस्क बोल सकते हैं हम लोग, सोने का, राइट. दिस इज अ गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल ये सेंटर है ये फॉयल का. अब इधर से क्या है हमारा अल्फा पार्टिकल जा रहा है ये, ये दिस इज द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स. अब होता क्या है कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल. अधिकांश जो होता है वो पास कर जाता, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, राइट. कुछ जो होते हैं जैसे ये सब पास कर गए, ऐसे सीधे चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, पास कर गए. कुछ क्या होगा, जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, जैसे ऐसे गए और फिर ये टर्न बैक हो जाएंगे. कुछ क्लियर, कुछ क्या होगा ऐसे आ जाएंगे और ऐसे चले जाएंगे,
जैसे ये आए थे ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे ले जाएंगे। तो क्या हुआ इसमें, इसमें आपने देखा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स पास कर गया, मस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, दिस शोज दैट देयर इज मच स्पेस इन द एटम, एटम में काफी स्पेस है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट यू टर्न और कॉल्ड रिफ्लेक्टेड बैक, बहुत कम होते हैं जो जैसे जाते हैं वैसे ही लौट जाते हैं। दिस शोज दैट कि यहां पर जो चार्ज है और अल्फा पार्टिकल्स पर जो चार्ज है दोनों एक ही है, और लाइक चार्जेस में विकर्षण होता है, देयर इज रिपल्सन बिटवीन द लाइक चार्जेस। एक दूसरा कि काफी हेवी मास है सेंटर पे, हेवी इशू होता है, राइट। इसी के आधार पर दिस इज ऑल अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाई गोल्ड फॉयल, दिस इज एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रीजन ये होता है कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल के जो चार्ज होते हैं टू होते हैं, मास होते हैं फोर होते हैं, राइट। और यहां पर क्या न्यूक्लियस है, यहां पर एन प्लस पी है, एंड प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो प्लस होता है, न्यूट्रॉन पर जीरो होता है, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस, जब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है तो टकरा के लौट जा रहा है, देयर इज रिपल्सन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, विकर्षण हो गया, दैट्स व्हाई कुछ बहुत कम होते हैं जो लौट जाते हैं। तो पहली बात तो देयर इज मच स्पेस इन द एटम, ऑन सेकेंड पार्ट कि द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस, एंड थर्ड पॉइंट मास ऑफ द एटम ऑल्सो रिजाइड्स इन द सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस। दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और इसी के आधार पर ही ये यहाँ पर दिए गए हैं आपके कि इन एन एटम देर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, nearly all mass of an atom resides in the nucleus, and second electrons revolves around the nucleus in the circular path because there is much space, and third point nuclear size is very very small as compared to the atomic size, just I told you the dimension of the nucleus is 10^-15 meter, whereas the dimension of the atom is 10^-10 meter. So this way you have seen the information about the atom, fundamental particles, electrons, protons, neutrons, so called the Thomson model, Bose model, atomic model, and also we have seen the isotopes and the isobars and the applications, okay. And that's all for the day. Thanks for giving me your patience, listening.